डिजिटल इंडिया बनाउन दी पुरजोर कोशिश कर रहे भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं हुण डिजिटल समस्यावां दे हल वी लभणे पै सकदे ने। ए गल तुहानूं थोड़ी अटपटी तां लगी होवेगी, लेकिन असीं जो तुहानूं वीडियो विखाउण जा रहे हां उह थोड़ी चटपटी वी है ते साडे तुहाडे लई जानकारी भरपूर वी। दरअसल कल यानी मंगलवार नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विच होण जा रहीआं प्रीख्यावां ते चर्चा करन दे लई 2.0 प्रोग्राम दे तहत अध्यापकां, विद्यार्थियां ते उहनां दे मापिआं दे नाल खुल के गलबात कीती। इस प्रोग्राम दौरान एक दिलचस्प वाकया भी होया। दरअसल प्रोग्राम दौरान एक महिला ने अपने बच्चे दे ऑनलाइन गेम खेडण दी बुरी आदत छुड़वाउण दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सलाह मंगी। ते आओ तुहानूं विखाउंदे आं उस महिला दा सवाल पुछण दा अटपटा अंदाज ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा इस उपर चटपटा जवाब। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूँ। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंट लाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा, और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है, क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर माँ बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक नहीं। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੈੜੀ ਲੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।